आप सभी के साथ बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर तीन स्टॉक के बारे में जिनके आज क्वार्टर वन के दोस्तों रिजल्ट आ चुके हैं और बहुत से इन्वेस्टर के कमेंट है कि सर जरूर इन कंपनियों के रिजल्ट कवर कीजिए। दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूँगा, आज बहुत से कंपनियों के रिजल्ट है इसलिए क्या होगा आज पूरे रिजल्ट कवर भी नहीं हुए, तो मैं सैटरडे को दोस्तों कुछ रिजल्ट वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, कल जरूर अंडरस्टैंडिंग कर लेना। अब एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों जो आपको यहाँ पर आपके माइंड में कभी भी आनी चाहिए, अभी देखिए आपके पास एक शेयर हो या हज़ारों क्वांटिटी हो, रिजल्ट होते किस लिए दोस्तों, ये रिजल्ट होते हैं आपके लिए। क्या ज़रूरत है दोस्तों कंपनी को रिजल्ट दिखाने की, कंपनी दिखाती इसलिए दोस्तों कि इन्वेस्टर परफॉर्मेंस रख सके और साथ साथ दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कंपनी की एक्चुअल कंडीशन कंपनी को पता चले, इसलिए रिजल्ट होते हैं। अब यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा दोस्तों और एक इंटरेस्टिंग बात कि कंपनी में रिजल्ट आते हैं ना उसके बाद में आपको यहाँ पर कैसे रिएक्शन दिखाना चाहिए उस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। क्या करते इन्वेस्टर, कोई भी यहाँ पर बता चुका है कंपनी को इतना प्रॉफिट हो गया लॉस हो गया बस ख़त्म, यहाँ नहीं दोस्तों, हमें यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना आना चाहिए कि कंपनी के रिजल्ट में हमें कैसे रिएक्ट करना है, क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए कम करनी चाहिए या एग्जिट करना चाहिए, ये माइंड में आना चाहिए। देखिए क्या होता है, आप यहाँ पर अपने पोर्टफोलियो पर नज़र नहीं रखेंगे ना दोस्तों तो पोर्टफोलियो क्या होगा एक दिन के बाद आपका लॉस में जाएगा, ये बात अंडरस्टैंडिंग करना। बहुत से निवेशक और बहुत से लोगों के पास पैसा है, आप पता होगा जब भी यहाँ पर वो इन्वेस्ट करते तो आपको यहाँ पर एक बात याद रखना, वो डेली बेसिस पर अपडेट रहते हैं, ऐसा कभी नहीं था दोस्तों जिनके पास टाइम नहीं ना वो निवेश ही नहीं करते। अब यहाँ पर आपको पता होगा म्यूचुअल फंड का सहारा लेते हैं, ये किस लिए दोस्तों, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। मैं आपको यहाँ पर बार बार चीज़ों पर फोकस करने के लिए कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको लगेगा कि सर रिपीटेशन ज़्यादा हो रहा है, बट दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम बात करेंगे दोस्तों पहले बर्जर पेंट के बारे में, इसके क्वार्टर वन के रिजल्ट कैसे रहे और किस तरीके से परफॉर्मेंस देखने को मिला वो यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। इंडिया में दोस्तों पेंट सेक्टर में आप सभी जानते हैं 4 से 5 कंपनीज हैं खाली, एशियन पेंट, बर्जर पेंट और भी अलग अलग कंपनीज है, बट थोड़ा यहाँ पर हमें जो इम्प्रूवमेंट और ज़्यादातर पॉपुलर देखने को मिलती है दो ही कंपनीज है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडिगो भी है, बट थोड़ा यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस जो हम कहें यहाँ पर देखने को मिलता है। ये नंबर दोस्तों इन करोड़ में है। आप यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करना कंपनी का जो प्रेजेंटेशन है वो दोस्तों, पहला यहाँ पर देखिए कंपनी के ये रिजल्ट है, यहाँ पर थोड़ा मैं आपको मार्क करके दिखाना चाहूँगा, ये देखिए ये रिजल्ट दोस्तों है ये अभी के, और दोस्तों ये इधर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ये देखिए मार्च महीने के जो क्वार्टर फोर के, और ये दोस्तों है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं कब के दोस्तों, आप यहाँ पर 2020 के बारे में सोच सकते हो और ये जून महीने के 2020 के रिजल्ट है, इस बात को याद रखना। क्या होता है हमारे से मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मेरा बात यहाँ पर फोकस वाली यही रही थी दोस्तों। अब देखिए कंपनी की नेट प्रॉफिट की बात आगे करेंगे, बट यहाँ पर हम बात कर लेते हैं पहले कंपनी का जो इनकम है उसके बारे में। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 833 जो कंपनी ने करोड़ों में इनकम कमाया था दोस्तों, वो यहाँ पर बढ़कर डबल हो चुका है, एक साल में कंपनी ने डबल इनकम करके दिखाया दोस्तों। और यहाँ पर हम जैसे और क्वार्टरली बेस पर बात करें तो क्वार्टरली डाउन रहा, आपको मैं एक बात भी क्लियर करना चाहूँगा, देखिए कंपनियों के बहुत से क्वार्टरली रिजल्ट ख़राब क्यों आ रहे हैं, तो आपको एक बात आपको पता होगी कि जैसे दोस्तों कोविड-19 का इम्पैक्ट अभी देखने को मिला है, उसका यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है ज़रूर, और ये देखिए थोड़ा यहाँ पर क्वार्टरली परफॉर्मेंस इसका कम रहा। अब दोस्तों यहाँ पर हम नेट प्रॉफिट की बात करें ना, तो कंपनी के पास दोस्तों आपको बताना चाहूँगा बसता है प्रॉफिट अच्छी तरीके से। यहाँ पर आप देख सकते हैं पिछली बार कितना 49 दोस्तों, कितना 49 करोड़ कमाया था यहाँ पर बर्जर पेंट ने, और इस बार देखिए प्रॉफिट कितना है 135 करोड़ दोस्तों। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कितना अच्छा प्रॉफिट है और कितनी अच्छी ग्रोथ है। और दोस्तों यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस की बात करें ना, यहाँ पर 184 करोड़ का दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था क्वार्टर फोर में, और अभी देखेंगे 135, तो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। एक क्लियरिटी, मैं आपको यहाँ पर ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर जो रियलिटी वो बात बता रहा हूँ दोस्तों, और कंपनी की जो यहाँ पर वैल्यू है कंपनी में जो ग्रोथ है ना वो मेरा बताना काम है, और मैं आपको जितना भी मेरे से होगा दोस्तों वो अच्छे काम मैं आपको यहाँ पर करने की कोशिश करूँगा। और देख सकते हैं इसके यहाँ पर हमें जो अर्निंग पर शेयर दोस्तों उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है, तो सॉलिड कंपनी वाली और दोस्तों अच्छा यहाँ पर बिजनेस करके दिखाने वाली कंपनी में यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए दोस्तों अच्छे परफॉर्मेंस की, और ये कंपनी करने का दम रखती है। तो यहाँ पर आप बर्जर पेट में दोस्तों कंटिन्यू कर सकते हैं, मैंने रिजल्ट बताया उसके बाद ही डिसीजन लिया, ऐसा नहीं लार्ज डिसीजन आपके हाथ में है बट काम मेरा है दोस्तों आपको बताना बोलकर। आज यहाँ पर हमें थोड़ा प्रेशर देखने को मिला है 2% के करीब, बट यहाँ पर देखिए 5 दिनों का परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा गिरावट नहीं है, और एक महीने में देखना दोस्तों कहाँ तक गिरावट देखने को मिली है,
प्रेशर में रहने के बाद भी स्टॉक कोई बड़ी गिरावट नहीं दिखाता। आप यहाँ पर इसका एक साल का चार्ट पैटर्न भी देखना, यहाँ पर आपको 48% का रिटर्न इसने दिया है 250 रुपये पर शेयर पर। 5 सालों की जर्नी देखे दोस्तों, यहाँ पर 226 का था, आज 800 का हुआ है, आगे जाकर 1200-1500 हो जाएगा, इसके लिए आप तैयार रहना। अभी दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक है देखिए ओल्टास, अभी इसके भी रिजल्ट आज आए हैं। तो एक कंपनी के रिजल्ट मैं कवर इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि कल अंबर इंटरप्राइजेस के रिजल्ट आएंगे ना, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर आज से सावधान करना चाहूँगा। इसके रिजल्ट जैसे रहे दोस्तों वैसा ही हमें यहाँ पर परफॉर्मेंस अंबर इंटरप्राइजेस में भी देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा बी रेडी रहना। अंबर इंटरप्राइजेस की दोस्तों यहाँ पर बराबरी इसलिए कर रहा हूँ इसके साथ कि ये कंपनी वैसा ही वर्क करती है, एसी मैन्युफैक्चरिंग का आप सभी को पता है। और इसका परफॉर्मेंस देखिए एक साल में कैसा गजब का परफॉर्मेंस दोस्तों, यहाँ पर हम 5 सालों की बात करें उसमें भी अच्छा, और देखिए लॉन्ग टर्म की जर्नी भी। ये टाटा ग्रुप की कंपनी दोस्तों बढ़िया परफॉर्म करती है आप सभी को पता है। और इसका प्रॉफिट देखिए मैं थोड़ा यहाँ पर हाईलाइट भी बताना चाहूँगा यहाँ पर इसके, ये देखिए प्रॉफिट कितना दोस्तों 122 करोड़ से यहाँ पर अच्छा बढ़ा है, और नियरली 50% से कंपनी की दोस्तों नेट प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिली है ओल्टास के। ये हो गए दोस्तों यहाँ पर इसके रिजल्ट के बारे में। थोड़ा मैं शॉर्टकट इसलिए बता रहा हूँ, क्या होता है वीडियो लंबा बन रहा है तो आपके पास दोस्तों पेशेंस और टाइम नहीं होगा, तो यहाँ पर फटाफट कवर करना मेरा काम है। दोस्तों आरती इंडस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, देखिए इसमें जो यहाँ पर हमें चीज़ें देखने को मिलती है ना बोनस की हुई, उसके बाद में देखिए बहुत से निवेशक इसे निग्लेक्ट कर रहे थे दोस्तों। मैं आपको कहूँगा एक कंपनी का रूटीन है बोनस देना, स्प्लिट देना, बाद में और परफॉर्म करना, रिजल्ट दिखाना, डिविडेंड देना, ये सभी इनके लगातार सालों से दोस्तों हमने इस कंपनी को देख भी नहीं सके, तब से हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं कि परफॉर्म कर रहे हैं। और कंपनीज बहुत अच्छी है दोस्तों, और मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसमें कोई कमी है, आज देख भी सकते हैं रिजल्ट का परफॉर्मेंस इसमें देखने को मिला 3% की तेज़ी। और उसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर आरती इंडस्ट्री ने रिजल्ट भी दिखाया है, यहाँ पर मैं रिजल्ट थोड़े पढ़कर भी दिखाना चाहूँगा, खास करके आपको पता तो चले कि आरती इंडस्ट्री ने कितना ग्रेट परफॉर्मेंस किया और कितना नेट प्रॉफिट हुआ वो यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर कंपनी के जो सभी फिगर्स हैं इन लैक्स में है, अब डायरेक्टली मैं बात करूँगा देखिए फटाफट कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में। तो दोस्तों देख सकते हैं कंपनी ने पिछले बार यहाँ पर देखिए कितना कमाया था, 8147 जो लैक्स में था दोस्तों, बढ़कर देखिए 16250 लैक्स हो चुका है। बोलते कंपनी का प्रॉफिट दोस्तों ईयरली बेस पर डबल हो चुका है, और क्वार्टरली बेस पर बात करें ना पिछले बार देखिए 13384 यहाँ पर जो कंपनी ने दोस्तों लैक्स में कमाया था प्रॉफिट, वो बढ़कर देख सकते हैं कितना हुआ 16225। ज़बरदस्त तरीके से ग्रोथ यहाँ पर हमें आरती इंडस्ट्री के रिजल्ट में देखने को मिली है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है दोस्तों, नो डाउट की कोई कमी यहाँ पर देखने को मिली है, बल्कि सभी चीज़ों में बेस्ट परफॉर्मेंस इसने दिखाया। थैंक यू सो मच, वीडियो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा दोस्तों तीनों स्टॉक के बारे में। थैंक यू।